क्लास 11 पार्ट बी चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कब? स्वतंत्रता के पूर्व। तो एग्रीकल्चर चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द कॉलोनियल डिस्पेंशन एंड अपाती ऑफ ब्रिटिश रूलर्स द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू विटनेस स्टेग्नेशन एंड डिटरेशन इन स्पाइट ऑफ इंडिया बींग अ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर कंट्री। जैसे ही ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट किया तो हमारी एग्रीकल्चर कैसी होगी? स्टेग्नेशन होगी। स्टेग्नेशन मतलब होता है स्थिर हो गई, विकासहीन हो गई, मतलब जितना भी विकास था, डेवलपमेंट था, वो सब क्या हो गया था? स्थिर हो गया था, अनडेवलप हो गई थी हमारी कंट्री, हमारी एग्रीकल्चर। अबाउट 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस डिपेंडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? 85% उस टाइम पर किस पर डिपेंड थी? कृषि पर डिपेंड थी, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। मतलब जितने भी लोग थे, पीपल थे, वो किस पर डिपेंड थे? कितने? 85% जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो किस पर डिपेंड थी? विलेज की एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, वट एवर ग्रोथ वॉज सीन इट वॉज जस्ट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन। और एग्रीकल्चर का जो उत्पादन था वो धीरे धीरे क्या होता गया? कम होता गया, लो लेवल पर आ गया। और जो भी हमें ग्रोथ होती थी, विकास थोड़ा हमारा होता था एरिया में, अगर क्या होता था? विस्तार होता था, तो वो किसकी वजह से? कल्टीवेशन की वजह से। कल्टीवेशन मतलब होता है जुताई करना। द स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर वॉज प्राइमरी ड्यू टू वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, लैंड सेटलमेंट क्या हो गई? धीरे धीरे स्टेग हो गई हमारी एग्रीकल्चर। स्टेग्नेशन मतलब होता है स्थिर हो गई और विकासहीन हो गई, मतलब हमारी कृषि का जो डेवलपमेंट था वो रुक गया था। तो उसके कारण थे ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिए थे, कुछ लैंड सेटलमेंट अनाउंस कर दिए थे, जैसे ज़मींदारी सिस्टम, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी भी हमारे पास कम थी। और ज़मींदारी सिस्टम क्या कर दिया था, लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ने, ज़मींदारी सिस्टम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की जो क्या थी सुविधा थी उसकी कमी कर दी थी। नेग्लिजेंस ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, और जो उर्वरक थे उनका उपयोग करना क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था उसे। एक्सप्लोइटिंग ऑफ कल्टीवेटर्स टू बूस्ट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिगो ATC। और जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान वगैरह थे, जो क्या करते थे, जुताई करते थे खेतों की, तो उनका क्या करना स्टार्ट कर दिया, शोषण स्टार्ट करना कर दिया। और उन्हें क्या, किस चीज़ के लिए फोर्स किया जाता था? इंडिगो के लिए। इंडिगो मतलब होता है नील की खेती के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वर विटनेस इन दिस सेक्टर। और इस सेक्टर में कई ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ दे रखे हैं, जो क्या करते हैं, बताते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड कैसे हो गई थी ब्रिटिश के रूल में। तो फर्स्ट, डिफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन उत्पादन का जो मीन्स था, साधन था, वो कैसा था? काफ़ी खराब था। देर वॉज इनसफिशेंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स इक्विपमेंट एंड मशीन्स, द प्रोडक्शन वॉज देयर फॉर लो। जब हमारे पास क्या थी, फर्टिलाइजर्स की कमी थी और अपर्याप्त मात्रा थी, इक्विपमेंट्स भी कम थे, मशीनें भी कम थी, तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन था वो कैसा हो गया था, लो हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो पीपल थे, लोग थे, क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, मतलब बेरोजगार हो गए थे। द कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर वॉज पुअर, देयरफॉर देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हो गया था क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए उनके पास जो पूंजी का फॉर्मेशन था वो क्या था, काफ़ी कम हो गया था, पुअर हो गया था। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट तो था ही नहीं, तो डेवलपमेंट नहीं था तो उनके पास कम नहीं हो, और इसी वजह से जो इस सेक्टर में जो पीपल थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे और अंडर एम्प्लॉयड हो गए थे। थ्री, लैंड प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी बोथ वर लो, और ज़मीन और मजदूर दोनों की जो उत्पादक थे वो क्या हो गए थे, वो भी लो हो गया था। कल्टीवेटर्स एंड लेबरर्स बोथ वर इलिटरेट, पुअर एंड अंडर न्यूरिस्ड, मतलब कल्टीवेटर्स थे जो खेती करते थे, किसान वगैरह, और लेबरर जो मजदूर थे, वो क्या थे, दोनों इलिटरेट थे, एजुकेटेड नहीं थे, पुअर, गरीब थे और अंडर न्यूरिस्ड थे। अंडर न्यूरिस्ड मतलब होता है अपोषक। द प्रोडक्शन वॉज लेस देन डिमांड, और जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन था वो डिमांड से, मांग से क्या होता था, कम होता था। तो इसीलिए जो लोग थे, कल्टीवेटर लेबरर, दोनों क्या थे, इलिटरेट थे, पुअर थे और अंडर न्यूरिस्ड थे, और इसी की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता था प्रॉपर, और इसीलिए दोनों क्या थे, प्रोडक्टिविटी दोनों की लो थी। इन 1947-48 द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वॉज 1508 लेख टन्स, और 47-48
ईयर की अगर हम बात करें तो जब हमारा सिर्फ फूड का जो प्रोडक्शन था अनाज का वो कितना था, 508 ले टन्स था। सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स प्रिवेल्ड एट दैट टाइम। सब डिवीज़न मतलब होता है उपविभाजन, फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़े करना या खंड करना, लैंड होल्डिंग भूमि जोतना, और प्रिवेल्ड मतलब होता है प्रबल। तो उस टाइम पर भूमि जोत के जो विभाजन थे, टुकड़े थे, वो क्या थे, काफ़ी प्रबल थे। मतलब उस टाइम पर, उस वक्त पर जब लैंड होल्डिंग्स थी, जो भूमि का क्या किया जाता था, जोतना किया जाता था, उसके क्या कर दिए गए थे, डिवीज़न कर दिए गए थे, मतलब उन्हें विभाजित कर दिया गया था, और फ्रेगमेंट्स कर दिए गए थे, मतलब उनके टुकड़े कर दिए थे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फिफ्थ है लैंड रिवेन्यू सिस्टम। लैंड मतलब भूमि, रिवेन्यू मतलब राजस्व, और सिस्टम मतलब प्रणाली। ब्रिटिश रूलर्स ने अलग अलग क्या कर दी थी, लैंड रिवेन्यू सिस्टम प्रणाली जो थी वो अनाउंस कर दी थी। तो पहली है ज़मींदारी सिस्टम। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न फॉर द कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन इन इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द ज़मींदारी सिस्टम। इंडिया में, अगर इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेग्नेशन हो गई थी, स्टेग्नेशन में पहले भी बता चुकी हूँ, स्थिर या विकासहीन हो गई थी हमारी एग्रीकल्चर, तो उसका मुख्य जो प्राथमिक कारण था वो था ज़मींदारी सिस्टम। दिस एग्रीकल्चर सिस्टम वॉज मेनली प्रैक्टिस्ड इन बंगाल विच वॉज द देन कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर ज़्यादा लागू किया गया, बंगाल में लागू किया गया। अब बंगाल में क्यों किया गया, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया जो थी, ब्रिटिश रूलर जो थे, उनकी राजधानी क्या थी, बंगाल थी। एज़ पर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता था, द मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट वेंट टू लैंड ओनर्स दैट इज़ जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर्स। इसमें से मतलब जो कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी, उसका जो प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, वो किसके पास जाता था, ज़्यादा लैंड ओनर्स के पास जाता था, जो कौन थे, ज़मींदार हुआ करते थे, और किसके बजाय कल्टिवेटर्स जो खेती करते थे, जोताई करते थे, कृषि वगैरह करते थे, उनको ना जाते हुए प्रॉफिट मेजोरिटी का किसके पास जाता था, ज़मींदार के पास जाता था। एज अ रिजल्ट द कॉलोनियल बोसेस अल्टीमेटली मेड द मोस्ट इनकम वाइल सच फार्मर्स वर नॉट रिम्यूनरेटेड एडिक्वेटली। और इसी का जो कारण था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कॉलोनियल थे, जो ब्रिटिश थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लग गई, इनकम होने लग गई, मतलब प्रॉफिट जो होता था वो किसको आ गया था, ज़्यादा आय किसको होने लग गई थी, कॉलोनियल को आने लग गई थी। और वाइल सच फार्मर्स वर नॉट रिम्यूनरेटेड एडिक्वेटली, और कुछ फार्मर तो ऐसे थे जिनको रिम्यूनरेशन मतलब होता है मेहनताना या पुरस्कार, जो उन्होंने वर्क किया था उसका मेहनताना पर्याप्त रूप से नहीं मिलता था। तो ज़मींदारी सिस्टम ने कल्टीवेटर्स को, फार्मर्स को क्या किया था, काफ़ी अफेक्ट किया था, और इसी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या हुआ था, ज़्यादा अफेक्ट हुआ था।